Hello friends, I am your maths teacher Mr. Moser and this is your maths book, Maths Bites. आज मैं आपकी एक्सरसाइज 7.3 कराने जा रहा हूँ. आई होप दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन का फर्स्ट, मैं आपकी इसमें इक्वेशन बनाऊंगा, आपको सॉल्व करनी है इसको. ठीक है. 1/5 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन अ नंबर, फाइंड द नंबर. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. तो लेट करो, लेट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 एंड द डिफरेंस एंड देयर डिफरेंस इज 46. फाइंड द लार्जर नंबर. ये है आपके पास क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप. हमें जब भी किसी क्वेश्चन में रेशो दिया होता है तो हम उसमें हमेशा लेट करते हैं एक्स के साथ, क्योंकि उसका कॉमन रेशो होता है. एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5 वेयर एक्स इज अ कॉमन. क्वेश्चन क्या कहता है? डिफरेंस इज 46. डिफरेंस इज इक्वल टू 46. इट मींस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 46. इसको आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, अभी इसमें क्या करना है? इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से सॉल्व कर दो. ओके. और उसके बाद हमें लार्जर नंबर बताना है. लार्जर नंबर इज इक्वल टू ये 3x है और ये 5x है. तो यहां पर सेकंड नंबर 5 2 x जो आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके उसको हम यहां लिखेंगे और सॉल्व करके आंसर लिखेंगे. तो आपका लार्ज नंबर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपको देखते हैं. द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस अ नंबर, द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड ट्वाइस द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव्स अस अ नंबर 6. The difference of thrice the number and twice the number when divided by 7. अगर हम किसी नंबर का 3 टाइम करें और उसी नंबर का हम 2 टाइम करें और जो उसका डिफरेंस आता है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 7. तो देखते हैं क्या है हमारे पास.
3x. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन इसका डिफरेंस को निकाल लेते हैं. डिफरेंस इज इक्वल टू 3x माइनस 2x. तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जब हम डिफरेंस को 7 से डिवाइड करते हैं, 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 7, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है आपके पास 7. ये चला जाएगा हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट की, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 7 इनटू 7. अब इसको सॉल्व करेंगे आगे और हम लोग क्या है इसकी x की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका. द सम ऑफ टू नंबर इज 46 एंड द डिफरेंस इज 4. दो नंबर हैं जिनका सम तो हमारे पास कितना है 46 और उनका डिफरेंस कितना है 4. तो हमें दो नंबर फाइंड है नंबर, तो हमें दो नंबर निकालना है. लेट कर लो, लेट फर्स्ट नंबर एक्स, सम कितना होगा, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू हमारे पास 46. तो सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 46 माइनस एक्स. ठीक, और डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस है हमारे पास 4. तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर या सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ऐसे कर लो एक्स माइनस ब्रैकेट लगाओ 46 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. डिफरेंस फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 4. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्स माइनस 46 प्लस एक्स एक्स और एक्स जुड़ जाएगा हमारे पास 2x. ये माइनस में जब जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो उसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू यहां भी लिखेंगे और x की वैल्यू यहां भी लिखेंगे, आपके दोनों नंबर इसमें आप क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक. ओके, थैंक यू.